हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रहा है टेक ऑफ माई जैकेट। सो फ्रेंड, कपड़े उतारने को टेक ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर इसने इसकी जैकेट पहन रखी है, वो बोल रहा है मेरी जैकेट उतारो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे टेक ऑफ माई जैकेट, टेक ऑफ माई जैकेट यानी मेरी जैकेट उतारो। तो यहाँ पर ये बोल रही है वाई आर यू स्कोल्डिंग मी इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स। तुम मुझे शुक्रिया बोलने की बजाय डांट क्यों रहे हो? वाई आर यू स्कोल्डिंग मी इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स? वाई आर यू स्कोल्डिंग मी इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स? तुम शुक्रिया बोलने की बजाय मुझे डांट क्यों रहे हो? नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स पे कह रहा है बिकॉज यू डोंट लिसन टू एनीबॉडी, क्योंकि तुम किसी की सुनती नहीं। बिकॉज यू डोंट लिसन टू एनीबॉडी, क्योंकि तुम किसी की सुनती नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज यू डोंट लिसन टू एनीबॉडी, मुझे लगता है तुमने ये जान पूछ कर किया था। आई थिंक यू डिड दैट इंटेंशनली, आई थिंक यू डिड दैट इंटेंशनली यानी कि मुझे लगा तुमने ये जान पूछ कर किया था। आई थिंक मुझे लगता है यू डिड दैट इंटेंशनली, तुमने वो जान पूछ कर किया था। वहाँ वो कौन है? तो किसी को देख रही है, काफ़ी दूर खड़ा है कोई, तो कह रही है हु इज़ दैट ओवर देयर, वहाँ वो कौन है? हु इज़ दैट ओवर देयर, वहाँ वो कौन है? तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं तो हम कह सकते हैं हु इज़ दैट ओवर देयर। क्या वहाँ वो हैरी है? इज़ दैट हैरी ओवर देयर? इज़ दैट हैरी ओवर देयर? क्या वहाँ वो हैरी है? फिर आगे बोल रही है, अपने फ्रेंड से पूछ रही है डू यू नो होम ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड, क्या तुम्हें पता है वो किसकी बगल में खड़ा है यानी किसके साइड में खड़ा है? डू यू नो होम ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड, क्या तुम जानते हो किसके बगल में खड़ा है? डू यू नो होम ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड, उसने खुद मुझे एक कहानी सुनाई थी। शी हर सेल्फ टोल्ड मी दिस स्टोरी, उसने खुद मुझे एक कहानी सुनाई थी। शी हर सेल्फ टोल्ड मी दिस स्टोरी, आई हैव नेवर थॉट आई वुड मीट हिम, मैंने कभी नहीं सोचा मैं उससे मिलूंगी। आई हैव नेवर थॉट आई वुड मीट हिम, मैंने कभी नहीं सोचा मैं उससे मिलूंगी। सो फ्रेंड, यार गलती से हिंदी में लिखा गया है था, तो यहाँ था नहीं होगा, ये होगा मैंने कभी नहीं सोचा मैं उससे मिलूंगी। आई हैव नेवर थॉट आई वुड मीट हिम, ये कह रही है मैं यहाँ से बाहर जाने के बहुत करीब हूँ। आई एम सो क्लोज्ड टू गेटिंग आउट ऑफ हेयर, मैं यहाँ से बाहर जाने के बहुत करीब हूँ। आई एम सो क्लोज्ड टू गेटिंग आउट ऑफ हेयर, बिना किसी सवाल के जल्दी से जैसा हम कहते हैं वैसा करो। सो फ्रेंड, इन लड़कों ने क्या किया है कि स्कूल पर कब्जा कर लिया अपनी बंदूक गनवन से और मार रहे हैं सबको। वो कह रहे हैं कि एक जगह हो जाओ। तो कुछ इस तरह की कहानी है, बोल रहा है कि बिना किसी सवाल के जल्दी से जैसा हम कहते हैं वैसा करो। जस्ट डू एज वी से क्विकली एंड विदाउट एनी क्वेश्चन, जस्ट डू एज वी से क्विकली एंड विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल के जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना और एल्स। तो फिर धमकी दे रहा है, कह रहा है और एल्स वरना हम तुम्हें, ये कह रहा है हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले से ही जानते हो। कह रहा है हम क्या करेंगे हमें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले से ही जानते हो। वी डोंट नीड टू टेल यू दैट यू नो ऑलरेडी, हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले से ही जानते हो। वी डोंट नीड टू टेल यू दैट यू नो ऑलरेडी, तुमने उसे क्यों मारा? Why did you kill him? तुमने उसे क्यों मारा? किसी से बात कर रहा था, इसने एकदम गोली चला दी, उसे मार दिया, तो पूछ रहा है why did you kill him, तुमने उसे क्यों मारा? तो कह रहा है ही वॉज डिसरिस्पेक्टिंग यू, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा था, यानी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, इज्जत नहीं कर रहा था, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। ही वॉज डिसरिस्पेक्टिंग यू, वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा था। ये कह रहा है तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मैं कौन हूँ? डू यू हैव एनी आइडिया हु आई एम, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मैं कौन हूँ? तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो डू यू हैव एनी आइडिया, यानी कोई आइडिया, कोई अंदाज़ा भी है हु आई एम, मैं कौन हूँ? तुम इससे क्या पाने की उम्मीद कर रहे हो? सो फ्रेंड, यहाँ पे इसने पूरे स्कूल पर कब्जा कर लिया लड़कों ने। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा करके क्या उम्मीद करते हो कि तुम्हें मिलेगा। तो पूछ रहे हैं व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम दिस, तुम इससे क्या पाने की उम्मीद कर रहे हो? व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम दिस, तो कह रहा है होप हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट, उम्मीद का इससे कोई लेना देना नहीं है। होप हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट, उम्मीद का इससे कोई लेना देना नहीं है। डोंट गो इन साइड अनलेस यू वांट टू डाई, तो ये अंदर जा रहे हैं, तो इस लड़की को पता है अंदर क्या हो रहा है, तो इनसे कह रही है कि अगर मरना ना चाहो ना तो अंदर मत जाना। डोंट गो बैक इन साइड अनलेस यू वांट टू डाई, यहाँ से कह रही है जाओ यहाँ से, गो। तो इससे पूछ रही है यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। तो कह रही है मोस्ट ऑफ देम स्टिल डोंट नो, उनमें से
ज्यादातर को तो अभी तक नहीं पता, मोस्ट ऑफ देम स्टिल डोंट नो, उनमें से ज्यादातर को अभी तक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रहा है योर ग्रीवेंस विद मी, तुम्हारी शिकायत मुझसे है, योर ग्रीवेंस विद मी, तुम्हारी शिकायत मुझसे है। सो फ्रेंड यहाँ पे प्रिंसिपल आया है स्कूल का, ये कह रहा है उन बच्चों से जिन्होंने हथियार के साथ स्कूल पर कब्जा कर लिया, उनसे कह रहा है योर ग्रीवेंस विद मी, तुम्हारी शिकायत मुझसे है। ग्रीवेंस बोलते हैं शिकायत को। यू कैन किल मी इफ यू वॉन्ट, तुम मुझे मार सकते हो अगर तुम चाहते हो। यू कैन किल मी इफ यू वॉन्ट, तुम मुझे मार सकते हो अगर तुम चाहते हो, बट लेकिन लेट द किड्स गो, बच्चों को जाने दो। लेट द किड्स गो, बच्चों को जाने दो। लेट द किड्स गो, यू सेड इफ आई केम अलोन यू वुड लेट द किड्स गो, तुमने कहा था अगर मैं अकेला आया तो तुम बच्चों को जाने दोगे। यू सेड इफ आई केम अलोन यू वुड लेट द किड्स गो, यानी कि इसने कहा था पहले इससे कि तुम अगर अकेला आया तो मैं बच्चों को जाने दूंगा, तो इसलिए बोल रहा है यू सेड इफ आई केम अलोन, तुमने कहा था अगर मैं अकेला आया यू वुड लेट द किड्स गो, तुम बच्चों को जाने दोगे। फिर आगे इससे बोल रहा है वट एवर योर रीजन आर फॉर डूइंग दिस, ये कह रहा है जो कुछ भी कारण है जो तुम ये सब कर रहे हो उसके पीछे जो कुछ भी कारण है, वट एवर योर रीजन फॉर डूइंग, यू कह रहा है वट एवर योर रीजन्स आर फॉर डूइंग दिस, वी कैन वर्क इट आउट बिटवीन अस, हम ये अपने बीच में सुलझा सकते हैं। वी कैन वर्क इट आउट बिटवीन अस, हम अपने बीच में सुलझा सकते हैं। तो फ्रेंड जब भी हम कहना चाहते हैं किसी भी मामले को कि हम इसे अपने बीच में सुलझा सकते हैं, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे वी कैन वर्क इट आउट बिटवीन अस। तो यहाँ पे बोल रहा है सो यू हर्ड दैट राइट, तो तुमने सुन लिया है ना। सो यू हर्ड दैट राइट, तो तुमने सुन लिया है ना। आगे कह रही है लेकिन हम इस बारे में बाद कर सकते हैं, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। ये कह रहा है क्या मैं तुमसे मेरे लिए कुछ करने को पूछ सकती हूँ, तो लड़की से कह रही है कैन आई आस्क यू टू डू समथिंग फॉर मी, क्या मैं तुमसे मेरे लिए कुछ करने को पूछ सकती हूँ। कैन आई आस्क यू टू डू समथिंग फॉर मी, आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट, मैं करूँगा जो कुछ भी तुम कहोगी, यानी कि आई विल डू, मैं करूँगा वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम चाहती हो। आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट, मैं करूँगा जो कुछ भी तुम चाहती हो। जाओ और इस काम को पूरा करो, गो एंड गेट दिस जॉब डन, गो एंड गेट दिस जॉब डन, जाओ और इस काम को पूरा करो, गो एंड गेट दिस जॉब डन। माफ़ करना मैंने ये कह रहा है माफ़ करना मैंने ये छिपाने की कोशिश की थी, सॉरी आई ट्राइड टू कंसील इट। तो फ्रेंड यहाँ कंसील यूज हुआ है छिपाने के लिए, एक नया वर्ड और यूज हुआ था ग्रीवेंस, ग्रीवेंस यानी शिकायत के लिए कंसील यूज करते हैं हम छिपाने के लिए। सॉरी आई ट्राइड टू कंसील इट, माफ करना मैंने छिपाने की कोशिश की थी। सॉरी आई ट्राइड टू कंसील इट, मुझे मदद करने दो, लेट मी हेल्प यानी मुझे मदद करने दो। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।